आई हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जेएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है और जेएनटी स्पेशल में आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के दंगल का हाल। वोट फॉर गुड में आज शुरुआत करेंगे चुनावी सीजन के सबसे अलबेले प्रचार के साथ। चुनाव जैसे जैसे समापन की तरफ बढ़ता जा रहा है, देश भर के अलग अलग इलाकों से अजब गजब प्रचार की तमाम तस्वीरें आ रही हैं। छठे चरण के लिए प्रचार कल थमने वाला है, ऐसे में आखिरी दो चरण के उम्मीदवार चुनावी रण में जमकर जोर आजमाइश कर रहे हैं। चुनावी मैदान में उतरे नेताओं के रंग ढंग निराले हैं। रैली, रोड शो, सोशल मीडिया के बाद अब चुनाव प्रचार में एआई की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है और तो और एक बार वीडियो गेम्स के जरिए भी चुनाव प्रचार किया जा रहा है। तो आइए आपको दिखा देते हैं कि इस बार का अलबेला प्रचार कैसा है। अब की बार एआई वीडियो वाला प्रचार। रैली रोड शो पुराना है, वीडियो गेम वाला प्रचार का जमाना है। हवा में उड़ते ट्रैक्टर, बाइक और रोबोट्स, ये नए दौर का नया प्रचार है। ये फरीदाबाद के चुनावी दंगल में निर्दलीय उतरे प्रत्याशी राजेंद्र महाजन हैं। वीडियो में दिख रहा है कि राजेंद्र महाजन प्रचार के लिए निकले हैं। उनके आगे पीछे ट्रैक्टर, बाइक और रोबोट्स हवा में उड़ते नजर आ रहे हैं। प्रचार के इस अजब गजब वीडियो को देखने वाले हैरान भी हो रहे हैं और रोमांचित भी। दरअसल इस वीडियो को बनाने में एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए राजेंद्र महाजन की टीम ने उनके प्रचार का वीडियो शूट कर उसमें एआई की मदद से हवा में उड़ते ट्रैक्टर, बाइक और रोबोट्स को लगा दिया है। वैसे तो इस बार लोकसभा चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और बीजेपी, कांग्रेस से लेकर सभी प्रमुख दल कैंपेन के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन राजेंद्र महाजन ने इस बार एआई प्रचार का सबसे अनोखा और दिलचस्प तरीका निकाला है। वैसे सिर्फ ये ही नहीं बल्कि राजेंद्र महाजन के प्रचार का एक और अजब गजब वीडियो इन दिनों वायरल है। प्रचार के इस वीडियो को सुपर मारियो वीडियो गेम की तर्ज पर बनाया गया है। इस गेमिंग वीडियो के मेन कैरेक्टर के रूप में मारियो की जगह राजेंद्र महाजन का आइकन लगाया गया है। गेमिंग वीडियो में राजेंद्र महाजन के चुनाव चिन्ह डस्टबिन को पॉइंट्स आइकन की जगह पर लगाया गया है। सुपर मारियो गेम के अंदाज में जैसे जैसे राजेंद्र महाजन का आइकन आगे बढ़ता है, पॉइंट कॉइन की जगह डस्टबिन में से उनकी एक एक योजना सामने आने लगती है। गेम के स्टेज के अंत में वोट कॉइन्स कलेक्ट करते हुए मेन कैरेक्टर विक्ट्री कैसल तक पहुंच जाता है। इसके बाद स्क्रीन पर बुलडोजर पर बैठे राजेंद्र महाजन का आइकन आता है। गड्ढा मुक्त कर दिया ना सड़कों को। दरअसल हमारे देश ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में निंटेंडो का सुपर मारियो वीडियो गेम खेलकर एक पूरी पीढ़ी बड़ी हुई है। पिछले चार दशक से सुपर मारियो गेमिंग कैरेक्टर बच्चों और बड़ों के दिलों पर राज कर रहा है, लेकिन इस बार सुपर मारियो ने लोकसभा चुनाव में एंट्री मार ली है। इससे पहले गुजरात के वलसाड से बीजेपी उम्मीदवार धवल पटेल ने भी सुपर मारियो के जरिए प्रचार का ये अनोखा तरीका निकाला था। धवल ने प्रचार के लिए सुपर मारियो गेम के अंदाज में एक वीडियो बनवाया है। वैसे मानना पड़ेगा, वोटर्स की जो पीढ़ी सुपर मारियो खेलकर बड़ी हुई है, उनके दिल तक पहुंचने का ये काफी इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीका है। अब की बार वैसे वीडियो गेम वाले बुलडोजर के साथ साथ इस बार के चुनाव प्रचार में असली बुलडोजर भी शुरुआत से ही खूब नजर आ रहा है।
ये तस्वीर बिहार के चंपारण के रक्सोल की है, जहां गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राज चौधरी रोड शो करने पहुंचे थे। इस दौरान दोनों नेताओं पर समर्थकों ने बुलडोजर से जमकर फूल बरसाए। दोनों नेताओं ने शहर में रोड शो करते हुए स्थानीय प्रत्याशियों के लिए खूब प्रचार किया, लेकिन पूरे रोड शो में सबसे ज्यादा चर्चा बुलडोजर वाले प्रचार की रही। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चुनावी मौसम में रैलियों और प्रचार के साथ साथ नेता और उम्मीदवार लगातार भगवान के दर पर हाजिरी लगा रहे हैं, देवी देवताओं के दर्शन पूजन कर रहे हैं, जीत की दुआएं मांग रहे हैं। इसी कड़ी में चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां वाराणसी में संकट मोचन मंदिर में योगी और मोदी ने जीत का आशीर्वाद लिया, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा दिल्ली में हनुमान मंदिर में दर्शन करते नजर आए। तिरुपति में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी परिवार समेत भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने उनके दर पर पहुंचे। चुनाव अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है, 4 जून की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में अब जीत के आशीर्वाद वाली प्रार्थनाओं का दौर भी लगातार जारी है। वोटर भाग्य विधाता के साथ साथ भगवान से भी वोट का वरदान मांगा जा रहा है। देखिए, लोकतंत्र के उत्सव के 5 चरण खत्म हो चुके हैं, अब बस 2 बचे हैं। ऐसे में वोटिंग की तमाम तैयारियों के बीच ही मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने की मुहिम भी लगातार जारी है। लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित करने के लिए कई तरह के आयोजन चल रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में हर एक वोट जरूरी होता है। हिमालय के पर्वत शिखर और वादियों में लोकतंत्र के पर्व की गूंज है। शिमला से किन्नौर और लाहौल स्पीति तक चुनाव के पर्व की रौनक है। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र 1 जून के इंतजार में तैयार है, और हिमालय के वोटर्स को जागरूक करने का अभियान जोर शोर से चल रहा है। काशीगंज का रिकॉर्ड है क्या? काशीगंज की पोलिंग 100% रहेगी इस बार? अब तो नहीं बहिष्कार होगा, एक भी वोट का हमारे लोकतंत्र के लिए एक एक वोट महत्वपूर्ण है। इसी अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोग ने एक साइकिल एक्सपेडिशन का आयोजन किया है। हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग के स्टेट आइकन जसप्रीत पाल की अगुवाई में 14 मई को शिमला से शुरू हुई ये साइकिल यात्रा 20 मई को विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग में खत्म हुई। लोकतंत्र में आपको बता दें कि स्पीति के टशीगंग मतदान केंद्र में कुल 52 मतदाता हैं, लेकिन दुनिया में इसकी अलग पहचान है। यहाँ पर सालाना लाखों पर्यटक सिर्फ और सिर्फ इसी मतदान केंद्र को देखने आते हैं। साइकिलिस्ट जसप्रीत पाल और क्षितिज ठाकुर ने हिमाचल के वोटर्स को मतदान का संदेश देने के लिए यहाँ तक 450 किलोमीटर की मुश्किल यात्रा साइकिल यात्रा को पूरा किया। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, आप 100% वोट करेंगे, वो आपका आशीर्वाद होगा मेरे लिए, जो कि मैं आशा करता हूं कि वो आप जरूर देंगे। हमारे लोकतंत्र के लिए एक एक वोट महत्वपूर्ण है। इस मौके पर उन्होंने टशीगंग के वोटर्स को इलेक्शन कमीशन का वोटिंग आमंत्रण पत्र भी सौंपा। अगर आप इस बार करेंगे वो आपका आशीर्वाद होगा मेरे लिए।
इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने सड़क के दोनों ओर ह्यूमन चेन बनाकर दोनों साइकिल राइडर्स का स्वागत किया। लोकतंत्र में चुनाव आयोग के स्टेट आइकन जसप्रीत पाल ने बच्चों को शपथ दिलाई कि 1 जून को वो अपने घर के बड़ों को वोटिंग के लिए जरूर भेजेंगे। लोकतांत्रिक परंपराओं, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। तो वहीं इलाके के वोटर्स से उन्हें हर हाल में वोट डालने का वादा भी लिया, ताकि स्पीति में इस बार कम से कम 80% मतदान के रिकॉर्ड को छुआ जा सके। वोटिंग दर्ज करवाएंगे, वादा करते हैं आप मेरे से? आप मेरे से वादा करते हैं? हिमाचल से सैकड़ों किलोमीटर दूर देश की राजधानी में भी वोटिंग अवेयरनेस का एक खास नजारा दिखाई दिया। दिल्ली के नजफगढ़ में रन फॉर डेमोक्रेसी मैराथन का आयोजन किया गया। राजधानी के वोटर्स ने प्रचंड गर्मी के बावजूद लोकतंत्र के लिए की गई इस मैराथन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। ऐसे में रन फॉर डेमोक्रेसी मैराथन में दिल्ली के वोटर्स का जोश लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। तो वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी से भी चुनाव से ठीक 1 दिन पहले बेहद खास तस्वीर आई है। काशी में दशाश्वमेध घाट पर हर दिल में मोदी का नाम से एक वोटिंग अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गंगा की लहरों पर लाइटिंग के जरिए हर दिल में मोदी लिखा गया। इस कार्यक्रम में नाविकों के साथ काशी के स्थानीय लोगों ने भी बड़ी संख्या में शिरकत की। अलग अलग शहरों में ये सारी कवायद सिर्फ इसीलिए की जा रही है ताकि बचे हुए चुनाव चरण में लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटिंग कर लोकतंत्र के उत्सव को शुभ समापन की ओर ले जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए वोट फॉर गुड में अब बात प्रधानमंत्री मोदी की आज वाली रैली की करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली के द्वारका में मेगा चुनावी रैली कर रहे हैं। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के करतार नगर में 18 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली की थी। रैली में बीजेपी सरकार के तमाम काम गिनवाए गए थे। भीषण गर्मी के बावजूद प्रधानमंत्री को सुनने वालों से मैदान भरा हुआ था। कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली के द्वारका में दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को सुनने पहुंचे हैं। बता दें कि दिल्ली में बीजेपी ने 2014-2019 में क्लीन स्वीप किया था। इसके बावजूद पार्टी ने जीत दिलाने वाले 6 कैंडिडेट्स को इस बार टिकट नहीं दिया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सिर्फ मनोज तिवारी ही एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया। बाकी 6 नए कैंडिडेट्स उतारे हैं। इनमें से 3 पूर्व मेयर और 1 विधायक हैं, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। 25 मई यानी इस शनिवार को दिल्ली की सभी सीटों पर मतदान होना है। और आज आपको बता दें, दिल्ली का गढ़ बचाए रखने की इसी चुनावी जंग में प्रधानमंत्री खुद उतरे हैं। देखिए, आज पीएम दिल्ली में है, लेकिन कल काशी में नारी शक्ति से संवाद करने पहुंचे थे। ठीक उसी वक्त वाराणसी से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर देश की राजधानी दिल्ली में नारी शक्ति प्रधानमंत्री के लिए लोगों से संवाद कर रही थी। छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव है। ऐसे में दिलवालों की दिल्ली आजकल दलवालों की राजधानी बन गई है। पार्टियां अलग अलग इलाकों में रैलियां और प्रचार करने में जुटी हैं। आइए दिल्ली की एक ऐसी प्रचार रैली के रंग आपको दिखाते हैं, जहां बीजेपी की महिला शक्ति सिर पर केसरिया बांधकर, ये बाना पहनकर चुनावी मैदान में किस तरह से डटी हैं। देखिए उसकी तस्वीरें। आएंगे मेरे, आएंगे
मोदी आएंगे, मोदी आएंगे, आएंगे मोदी आएंगे, मेरे भारत के भाग आज खुल जाएंगे, मोदी आएंगे, मेरी ये मोदी दे मोदी आएंगे तो जग कच्चे घरों के मैं पक्के घर बनाऊंगी, मेरी बलिया के भाग आज खुल जाएंगे, मोदी आएंगे, मेरे भारत के भाग आज जाग जाएंगे, मोदी आएंगे। मैं महिला टीम के साथ इस वक्त मौजूद हूँ। हम देख रहे हैं आधी आबादी भी अब चुनावों में बढ़ चढ़ कर भागीदारी भी निभा रही है, 33% आरक्षण भी है और कैंपेन्स में भी नजर आती है। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी का देन है, जो आज महिला घर में काम करने के बाद भी बढ़ चढ़ के नरेंद्र मोदी के साथ में वो जयकारा बोलती है और बोलती है भारत माता की, भारत माता की जय, श्री राम जय, श्री राम। बेहद खूबसूरत लग रहा है आपके सबके सिर पर ये साफा बांधने का प्लान कब आया, क्योंकि पिछले चुनाव में मैंने ये नहीं देखा। ये साफा बांधने का प्लान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने के द्वारा ही आया है। आज बहने देखिए सबके सर पे बंधे हुए हैं सेहरा। बंधा कहाँ से, बंधवाया ये यहाँ बंध रही है, ये हम सब मिलकर के कार्यक्रम रखे हैं, सब मिलकर बनवा रहे हैं और सारे महिलाओं के सारे भाइयों लोगों को बनवा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई त्योहार या उत्सव होता है, शादियाँ होती है, तो इस तरह के साफे बांधे जाते हैं, यानी लोकतंत्र का सबसे बड़ा है। मैम ये त्योहार ही तो है, वो त्योहार से भी ज्यादा बढ़ के है। हाँ ये त्योहार है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम दुनिया में आएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। चलिए वोट फॉर गुड में आज की तमाम तस्वीरों के साथ इतना ही, मुझे यानी शगुफ्ता को इजाजत दीजिए, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएनटी।